हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप, ये सब बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सावन मास के पांचवे सोमवार के दिन बन रहे रवि योग और सूर्य योग के अद्भुत चमत्कारिक योग में की जाने वाली विशेष पूजा विधि, रुद्राभिषेक का समय और एक ऐसे खास उपाय के बारे में जो बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना देवाधिदेव महादेव का अति प्रिय महीना है। यह महीना शिव भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान होता है। दोस्तों, सावन का दिन भगवान शिव को सभी वारों में सबसे प्रिय है, इसलिए महादेव के प्रिय मास में पड़ने वाले सोमवार विशेष इच्छा पूर्ति वाले माने गए हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ इस महीने अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देकर उन पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, सावन का पांचवा सोमवार 7 अगस्त को है। इस दिन रवि योग और सूर्य योग का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। जो लोग रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उनके लिए यह दिन बहुत ही शुभ है। हालांकि इस दिन सुबह से ही भद्रा लग जाएगी जो शाम तक रहेगी। दोस्तों, यह स्वर्ग की भद्रा होगी। स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं होता है। ऐसे में निर्विघ्न सभी पूजा पाठ से संबंधित कार्य किए जा सकेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इस दिन रुद्राभिषेक का समय क्या रहेगा। दोस्तों, पांचवे सावन सोमवार के दिन शिव पूजा और रुद्राभिषेक के लिए वैसे तो पूरा दिन ही शुभ है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक का है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से सुबह 5:03 तक का है। तो आइए जानते हैं सावन के पांचवे सोमवार के इस खास संयोग में आपको किस विधि से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सावन के पांचवे सोमवार के दिन रवि योग बन रहा है। ऐसे में आप सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं और व्रत या पूजा का संकल्प लें। संकल्प करने के लिए हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर महादेव का ध्यान करते हुए संकल्प करें। दोस्तों, घर या घर के बाहर किसी भी शिव मंदिर में आप ये पूजा कर सकते हैं। पूजा से पहले सूर्य देव को एक लोटा जल में गंगा जल और लाल पुष्प डालकर अर्घ जरूर दें। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। दोस्तों, सर्वप्रथम पूजा स्थल को गंगा जल मिले जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। अब सबसे पहले महादेव का अभिषेक आपको करना है। अभिषेक करने के लिए आप अपनी सामर्थ्य अनुसार या तो साफ जल में गंगा जल मिलाकर इससे अभिषेक कर सकते हैं या फिर पंचामृत बनाकर जैसे जल में गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी मिलाकर शिव प्रतिमा या शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएं। इसके बाद भगवान शिव को चंदन से त्रिपुंड बनाते हुए तिलक करें। अब थोड़ी सी भस्म लगाएं और फिर भोलेनाथ को उनकी प्रिय चीजें जैसे सफेद फूल, धतूरा, समी पत्र, बेल पत्र, जो भी आपके पास उपलब्ध हो अर्पित कर दें। दोस्तों, शिव पूजा में साबुत अक्षत का बड़ा महत्व बताया गया है, इसलिए 108 दाने साबुत अक्षत यानी चावल महादेव को चढ़ाएं। अब घी का दीपक जलाएं और शिव चालीसा, शिव अष्टक का पाठ करें। दोस्तों, भोग में महादेव को चावलों से बनी खीर का भोग लगाएं। इसके बाद सावन सोमवार व्रत कथा पढ़ें और आरती कर अपनी मनोकामना का ध्यान कर प्रार्थना करें। आइए अब जान लेते हैं इस दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आप उन्हें सच्ची श्रद्धा से एक लोटा जल अर्पित कर दें तो वे आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। दोस्तों, सावन के पांचवे सोमवार के दिन एक लोटे में गंगा जल भरकर सबसे पहले दाएं हाथ की ओर यानी गणेश जी के स्थान पर, फिर बाएं हाथ की ओर यानी कार्तिकेय जी के स्थान पर और फिर जलधारी के बीच की रेखा यानी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्तकमल यानी शिवलिंग के चारों ओर का स्थान और फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करें। अंत में गंगा जल की कुछ बूंदे नंदी महाराज पर अर्पित कर दें। दोस्तों, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से शिव धाम की प्राप्ति होती है और महादेव की कृपा से व्यक्ति के जीवन से दुख, बीमारी और दरिद्रता चुटकी में ही दूर हो जाती है। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।